इन हमारे पास है बजट स्पीकर्स का कंपैरिजन एंड ये है GT111 मिनी स्पीकर, ब्लूटूथ स्कूटर स्पीकर भी बोलते हैं, TG113 एंड ये कंपैरिजन बहुत ही ऑसम होने वाला है क्योंकि तीनों ही बजट स्पीकर्स हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्टे ट्यून्ड विद अस। तो हमारे पास तीनों स्पीकर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इनकी अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा। अगर आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पर्टिकुलर हर स्पीकर की मैंने अनबॉक्सिंग की है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। सो हम ले लेते हैं डायरेक्ट अपने स्पीकर्स को। तो हमारे पास आ गए हैं तीनों अपने स्पीकर्स, ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं, तो कलर्स के लिए बहुत सॉरी क्योंकि मेरे पास जो भी वेरिएंट अवेलेबल थे मैंने वही चूज कर लिए। तो यहाँ पे ये है ब्लू कलर में, ये है रेड कलर में और ये है ब्लैक कलर में। तो कलर का तो कंपैरिजन है ही नहीं क्योंकि मॉडल अलग अलग हैं तीनों, बट हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ट क्वालिटी की। GT111 की बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, इसकी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है एंड इसकी भी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, स्मूथ फिनिश के साथ ये आता है। अब बात करते हैं कॉम्पैक्टेबिलिटी की। तो कॉम्पैक्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है पिल स्पीकर, फिर आता है TG113 एंड फिर आता है GT111, मतलब कॉम्पैक्ट सबसे ज्यादा ये है देन ये देन ये। अब बात करते हैं ओवरऑल गुड लुकिंग की। तो सबसे अच्छा दिखने वाला स्पीकर है पिल, फिर आता है TG113 एंड तब आता है GT111। अब बात करेंगे कि इनके प्राइजेस क्या क्या होने वाले हैं। तो प्राइजेस सबसे सस्ता यहाँ पे मिलता है आपको ये, फिर आता है ये एंड फिर आता है ये। अब आप सोच रहे होंगे सबसे छोटा वाला स्पीकर इतना महंगा क्यों है। एक्चुअली ये सारी चीजें इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी और शेप एंड साइज से बहुत फर्क पड़ता है प्राइस में आपकी, ठीक है। क्योंकि इनकी शेप देखेंगे तो इनकी इतनी लुक नहीं है, ऊपर से इनमें ग्रिल वगैरह नहीं है, तो मेंटेनेंस बहुत फर्क पड़ता है एक शेप एंड क्वालिटी से, तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा होने वाला है। बट अगर हम बात करूं तो दोनों में इनके इसके जो आउटपुट साइंस में चार आपको स्पीकर मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको दो मिलते हैं, इसमें भी आपको दो मिलते हैं, बट ये छोटे स्पीकर हैं इन दोनों के मुकाबले। इसके अलावा दोनों में ही तीनों में ही आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है। तीनों में इसमें आपको स्लॉट्स क्या क्या मिलते हैं, इसमें आपको USB, AUX, मिनी चार्जिंग स्लॉट है एंड ये SD कार्ड स्लॉट है, ठीक है। सेम आपको TG113 में मिलते हैं, बट आपको GT111 में AUX का सपोर्ट नहीं मिलता, ये एक बैड थिंग है। बट GT111 में आपको मल्टी कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है जो कि इन दोनों में देखने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोनों में GT111 में और TG113 में बैटरी 1200 mAh की मिलती है, इसमें आपको 1000 mAh की बैटरी मिलती है, तो ये कम ही चलने वाला है इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं वॉल्यूम का। तो मैं कर लेता हूं इसको ऑन, ये हो गया ऑन। ब्लूटूथ मोड, अब इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पीसी के साथ। तो मैं तीनों को ही कनेक्ट कर लेता हूँ पीसी के साथ एंड वन बाय वन हम प्ले करेंगे साउंड एंड पता करेंगे कौन सा ज्यादा बेटर है इनमें साउंड के मामले में। क्वालिटी भी मैटर करती है, सिर्फ वॉल्यूम ही मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि आपकी क्वालिटी कैसे होने वाली है वो। इसलिए तो मैंने कर लिया है अपने पिल स्पीकर को भी पेयर एंड ये भी BT स्पीकर के नाम से ही अवेलेबल होता है ब्लूटूथ के उसमें। तो सबसे पहले हम प्ले करेंगे इसमें, देन TG113 में एंड देन GT111 में। तो प्ले करता हूं मैं इसमें NCS साउंड, मैं कर देता हूं इसको फुल, ये फुल वॉल्यूम है, अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं TG113 की तरफ, यहां पे प्ले हो रही है। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं GT111 की तरफ, मैं शिफ्ट कर रहा हूं यहां पे, अगेन मैं शिफ्ट कर रहा हूं TG113 की तरफ, नाउ GT111।
देख ही लिए तीनों की वॉल्यूम जो है, एंड वॉल्यूम में सबसे लो है यहाँ पे पिल स्पीकर, देन आता है TG113, देन आता है G111। अब बात करेंगे लोग इसको खरीदेंगे क्यों जब वॉल्यूम भी इसकी कम है, बैटरी भी इसकी कम है, प्राइस ज्यादा है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर आप इसको रखते हैं, एक तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, आप इसको अपनी कार में लगा सकते हैं, एंड जो इसका कॉम्पैक्ट और डिजाइन है वो इन दोनों में सबसे अच्छा है, इन तीनों में सबसे अच्छा इसका डिजाइन है, कॉम्पैक्ट है, ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है, छोटा सा है और प्यारा लगता है। इसके अलावा ये अगर ब्लैक कलर में आता है तो ब्लैक कलर में बहुत ही जबरदस्त लगता है ये स्पीकर, ठीक है। इसके अलावा क्लियरिटी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब चुभने वाली आवाज नहीं है यहाँ पे, तो इसी वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। अगर मैं TG113 की बात करूं तो ये कॉम्पैक्ट है, इजी टू हैंडल है, छोटा सा है, गोल है, एंड इसकी वॉल्यूम जो है वो काफी डिसेंट है, बहुत ही प्यारी सी, आप जिसको कह सकते हो कि बेस का कॉम्बिनेशन ठीक है एंड वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम इसमें थोड़ी सी कम मिलेगी आपको, इसमें वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा ही हाई है एंड बेस भी ज्यादा है, बट ये ज्यादा तेज जो होता है ना वो डिसेंट सा आप चला नहीं पाओगे, तो बट ये डिपेंड करता है कि आपको तेज वॉल्यूम चाहिए या कम वॉल्यूम चाहिए। तो मेरे हिसाब से तीनों स्पीकर अपनी अपनी जगह अलग अलग ठीक हैं, बट अगर मेरे को खुद को प्रेफर करना होगा तो मैं लूंगा मिडिल सेगमेंट को, TG113 को, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आप भी लो या और कोई भी ले, बट अगर मेरे को कार वगैरह के लिए या शो के लिए चाहिए तो मैं लूंगा पिल स्पीकर को, बट अगर मेरे को चाहिए सिर्फ साउंड और बेस से मतलब है तो मैं लूंगा इसको GT111 को। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस रीजन के लिए चाहिए और क्या करना है। सो ये थी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।